तो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, वीडियो का सुनने बता दूं आपको जो है, इसी चैनल पे आपको हर वीडियो या हर पोस्ट में एक गिफ्ट जीतने का मौका है। अगर आप चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल बेल आइकन प्रेस करके रख सकते हो। तो क्या गिफ्ट है मैं इस वीडियो का लास्ट में बताऊंगा, एंड आपको कैसे जीतना है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो गाइस, अभी का जो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, केकेआर का कैप्टन का नाम अनाउंसमेंट हो गया। अभी काफी दिन से बहुत सारा चर्चा हो रहा था कि केकेआर का कैप्टन जो है कौन बनेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा नाम आया, नीतीश राणा, सुनील नारायण एंड शार्दुल ठाकुर। जय गाइस, आज सुबह से बहुत सारा मैसेज फ्लैश कर रहा था कि शार्दुल ठाकुर जो है केकेआर का नेक्स्ट कैप्टन बनेगा। लेकिन अभी जस्ट कुछ टाइम पहले केकेआर ने अनाउंस किया केकेआर का जो नया कैप्टन है नीतीश राणा। जय गाइस, नीतीश राणा जो है एक ऑलराउंडर है। आप नीतीश राणा को देखे होंगे हमेशा बैटिंग करते हुए, बट नीतीश राणा जो है एक बॉलर भी है, स्पिनर भी है। मतलब नीतीश राणा जो है एक ऑलराउंडर है। एंड यहाँ पे बात करते हैं, और भी बहुत सारा प्लेयर है केकेआर के अंदर जो यहाँ पे कैप्टन बनने का हकदार है। लाइक आपको बताया कि सकीबुल हसन बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, ऑलराउंडर। एंड लिटन दास आपको बताया कि बांग्लादेश का T20 मैच का कैप्टन है। बट आज सुबह से जो बहुत ज्यादा न्यूज फ्लैश हो रहा था शार्दुल ठाकुर को लेके, तो ऐसे न्यूज आ रहा था शार्दुल ठाकुर जो है नेक्स्ट कैप्टन बन सकता है केकेआर टीम का। एंड आपको बताया केकेआर का जो अभी हेड कोच है चंद्रकांत पंडित, बहुत ही सक्सेसफुल एक कोच है। खास करके रणजी ट्रॉफी की बात करो तो यहाँ पे एक बहुत सक्सेसफुल कोच है। तो पिछले साल कैप्टन बने श्रेयस अय्यर जो है इस बार बैक इंजरी की वजह से रोल्ड आउट हो गया IPL, एंड कुछ इंटरनेशनल मैच भी खेल नहीं पाएगा। तो इस बार जो है नीतीश राणा केकेआर को लीड करेगा। तो इस साल हम लोग को क्या क्या नया देखने को मिले, तो यहाँ पे डेफिनेटली बता दो, नीतीश राणा जो है अपना बैटिंग स्किल को और ज्यादा इम्प्रूव करेगा इस साल, एंड साथ साथ एक दो ओवर बॉलिंग भी देखने को मिल जाए मैच के अंदर, क्योंकि नीतीश राणा जो है बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी सही ढंग से कर लेता है। तो अभी बात कर लेते गिफ्ट कार्ड के बारे में। जैसे मैं वीडियो का शुरू में बताया था कि आप लोगों के लिए एक गिफ्ट कार्ड रहेगा, अमेजन गिफ्ट कार्ड, आप लोग जीत सकते हो। इस वीडियो में आपको कमेंट करना है, एंड इसका क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले आपको जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, एंड जरूर वीडियो को लाइक करना है। जैसे 500 लाइक कंप्लीट हो जाएगा, कमेंट में से एक को पिक करूंगा एंड उसको जो है गिफ्ट कार्ड भेज दूंगा, अमेजन गिफ्ट कार्ड। तो गाइस, अभी से इस चैनल पे हर वीडियो में या हर पोस्ट में आपको गिफ्ट कार्ड जीतने का मौका है। आप चाहो तो जीत सकते हो, एंड जस्ट आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑल बेल आइकन प्रेस करके रखना है, एंड साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम को भी आपको फॉलो करके रखना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मैं इंस्टाग्राम में दूंगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया, एंड केकेआर फैन एंड केकेआर टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।